नहीं उतना सामने नहीं हो, सामने मत हो, क्यों सामने मत हो रहा बाबू लोग, ज्यादा सामने नहीं हो, सामने क्यों हो रहा है उतना, उसको हटने बोलो यार, उतना क्यों सामने गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। फिलहाल मैं अभी रनिया प्रखंड अंतर्गत खटना गांव में हूं, जहां पर रात के भी 8 बज रहे हैं और कई गांव के ग्रामीण जंगली हाथी को भगा रहे हैं। यहां पर 2 जंगली हाथी है और बताया जा रहा है उसके कई छोटे छोटे बच्चे जो हैं बगल के गांव में हैं, जिसके वजह से 2 जंगली हाथी टस से मस नहीं हो रहे हैं। पटाखे भी लगातार उनके पैरों के पास भी फेंक कर बजाया जा रहा है, मगर हाथी जो है भागने का नाम नहीं ले रहा है। अब मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए ग्रामीणों के द्वारा सड़क के किनारे इस तरह से आग जला दिया गया है, ताकि उधर जो भी गांव है वहां तक जंगली हाथी ना पहुंच सके। यहां के मैंने मुखिया जी से बात की, यहां के ग्रामीणों से बात की और सभी का ये कहना है कि काफ़ी दिनों से ये जंगली हाथी इन क्षेत्रों में भ्रमणशील है, लेकिन वन विभाग की तरफ से भी एक तरह से हर जगह की तरह यहां पर भी कोई खास मदद नहीं दी जा रही है और सिर्फ भगाने के लिए कुछ सामग्री बांटे जाते हैं, मगर हर क्षेत्र में देखा जाए तो अभी जंगली हाथी का ही प्रकोप है, हाथियों का ही आतंक है और यही वजह है कि ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा राज जगह करने के लिए एक तरह से देखें तो मजबूर हैं। और अभी देखिए चारों तरफ यहाँ पे ग्रामीण भरे हुए हैं और कुछ देर जंगली हाथी झाड़ियों में छिप जाते हैं, फिर घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाते हैं और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर निडरता के साथ मसाल को पकड़ कर सामने नज़दीक से उसे भगाने की कोशिश में कर रहे हैं, क्योंकि अगर गाँव में जंगली हाथी आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो खाने पीने के राशन हैं जिसे वो खाएंगे और उससे नुकसान भी होगा, घर को भी तोड़ सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े हाथी हैं, मैं आपको नज़दीक से आगे दिखाऊंगा और हो सके तो और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। अरे यार पूरा डॉर जस्ट दिख रहा है। अरे पोजीशन बना रहा है, तुम लोग साइड से भाग जाओ। चल जाओ, यहाँ का जनता लोग परेशान है। जीवन का डुलना गांव खटांगा। कितना बजा अभी? 7 बजा है। क्या कर रहे हैं अभी आप? हाथी भगा रहे हैं। क्या मदद मिला है हाथी भगाने के लिए? कुछ नहीं मिला है आज तक। कौन गांव है? खटांगा बोल रहे हैं। खटांगा। कितना हाथी है? 14 को। क्या चीज से भगा रहे हैं? टॉर्च से खाली भगा रहे हैं, कुछ नहीं। खाली हाथ है? खाली हाथ है और कुछ नहीं दे रहा वन विभाग। हाथी कब आया था इसे? मैंने 4-6 दिन से सोवे नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या मुहैया करा रहा है विभाग की तरफ से? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। कितना गांव के लोग भगा रहे हैं? मैंने सारा गांव का, मैंने सर ई टोली ये आसपास 4-5 टोली का सारा भगा रहे हैं। 4-5 टोली का? हाँ। तो यहाँ पे क्या नाम है आपका जी? नाम किरण कांडुल। गाँव यही खटना है। अभी देख रहे हैं चारों तरफ जंगली हाथी दिख रहा है। क्या चीज से भगा रहे हैं? हम लोग टच से मोबाइल वोबाइल से भगा रहे हैं। हम लोग को व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ही नहीं है? नहीं है। हम लोग मुखिया उखिया देवे नहीं कर रहे तो क्या किसे व्यवस्था नहीं है? हम खटांगा पंचायत के मुखिया हैं जोन कंडुलना जी, और यहाँ भी हाथी का समस्या है। आए दिन यहाँ हाथी का प्रकोप है, पूरा हर क्षेत्र में ही, रनिया प्रखंड में ही बोलिए, हाथी से हम लोग ग्रसित हैं और कई घरों को तोड़ा जा रहा है हाथियों के द्वारा और धानों को भी खाया जा रहा है। प्रशासन को भी इनकी जानकारी है, लेकिन तो अब इतने ज़्यादा में हाथी है कि प्रशासन भी कुछ करने के लिए प्रसरत रहते हुए भी पांगू हो जाता है। कितना समय है अभी? रात के कितना बज रहा है? रात के वही 10 बज रहा है। और अभी आपके सामने ही हम देख रहे हैं जंगली हाथी है। और ग्रामीण भी, कितने गांव के लोग भगा रहे हैं अभी? यहाँ कम से कम 3 गांव के लोग हैं। 3 गांव के लोग, खटांगा हुआ, टंगर किला और कुणाकेल हुआ। और कितने दिन से जंगली हाथी आसपास है अभी और कितनी संख्या में है? अभी 1 हफ्ता लगभग हो चुका है, यही अगल बगल में खटांगा के ही, खटांगा पंचायत के अगल बगल में ही। और देख रहे हैं कि फटाका से भी नहीं भाग रहा हाथी। अब ये सब सुनते सुनते ही लोग का आदत हो गया है। आदत हो गया है, इसीलिए उससे कोई प्रभाव नहीं है, प्रभावित नहीं हो पा रहा है। और आपके गांव इलाके में भी कोई अभी नुकसान इन हाथियों के द्वारा कुछ अभी तक तो उस टाइप का नहीं सुनाया है।
अच्छा मेरे पंचायत में नदी दो बार है लेकिन दो बहुत डेंजर दिख रहा कुदाता है कोई कुछ नहीं करेगा आपको बस आपसे डरा हुआ है नूरला जिला परिषद बानो प्रखंड सिमडेगा। अभी जिसे अपना दौरा करके हम वापस बानो की ओर जा रहे थे, देख रहे हैं कि यहाँ भी मुखिया साहब भी हैं और जितना ग्रामीण है सब हाथी भगाने के लिए जो टॉर्च दिखा रहे हैं। और जिसे हमको गांव वालों से जानकारी मिला है कि टॉर्च है दिख रहा है और जैसे मुखिया साहब बता रहे थे कि अब भगाने का भी आदत हो गया है, एकजुटता है इन लोग में। लेकिन प्रशासन के सामने एक सवाल जरूर उठता है कि आपको जानकारी है और कुछ तो उपाय होगा भगाने का, कुछ तो उपाय होगा ग्रामीणों का सुरक्षा के लिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कि कितना गांव वालों को हम छोड़ देंगे कि अपने से करेंगे, अपने से जान बचाएंगे, खेती किए हैं तो अपने बचाएंगे, आज भी जैसे कटहल का सब्जी है उसको अपने से बचाएंगे, अपने खाएंगे, अपने खाने के लिए जंगली हाथी से खुद को बचाना पड़ रहा है। पर पूरा भयानक लग रहा है ना। अरे कहाँ है, एक ही तो है, साइड करते हैं थोड़ा सा ना, लाइट नहीं बुता रहा है, लाइट नहीं बुता है ना, पीछे आ रहा, पीछे आ रहा, आदमी वही जगह है।